हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। फहम भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। आज हमने अपना घर में सीन बना लिया। हाँ, घर में सीन ही घर में सीन ही बना लिया कि आज हम फिश फ्राई खाएंगे। आपको बताएंगे पापा के हम कौन सी फिश फ्राई खाने वाले हैं। पापा, हम कौन सी वाली फिश लेकर आए हैं? आज हम लाए हैं दंडिया। दंडिया फिश जी। तो ये फिश हम लोग किस तरह, इसमें क्या क्या मसाला लगा है? इसमें हमने पिसी हुई मिर्ची डाली है, हल्दी डाला है, गरम चाट का मसाला डाला है, कुटी हुई मिर्ची डाली है, ये सब चीज़ें लगी हैं इसमें। अब ये सब चीज़ें हमने लगा के रख दी हैं। अभी ये सब हमने रख दी है तैयार करके, ये फ्रिज में हमने रखी हुई हैं। ये देखें, ये अभी हमने फ्रिज में तैयार करके रखी हुई हैं। ये देखें, ये हमने फ्रिज में रखी हुई है और ये हम इसके साथ जो है हरी मिर्च फ्राई कर रहे हैं। सही। तो भाई फहम भाई, फिर क्या लग रहा है, कैसा टेस्ट होने वाला है? टेस्ट तो बहुत आला लग रहा है भाई। अच्छा, और रफीक और अपने क्या नाम है तुम्हारे पापा के हाथ की है तो ये तो और ही आला होगा। अच्छा जी। हाँ, वैसे पापा खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। हाँ भाई, मैंने तो अपना मशवरा दिया इनके पापा को कि अपना एक रेस्टोरेंट खोल लें। अच्छा, तो रेस्टोरेंट नहीं खोल रही है। अच्छा, मैं घर में खुद ही बनाऊँगा। तो आज आप लोगों को खाते हैं और पूरा तरीका बताते हैं बनाने का आपको, और सारी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं, फिर पूछते हैं पापा से कि क्या क्या उन्होंने करा है, कैसे करा है, और आपको पकाते हुए भी दिखाते हैं और फिर खाने के बाद टेस्ट भी बताएंगे कैसा बना है। मैं तो पहले खा चुका हूँ। फहम भाई फर्स्ट टाइम खा रहे हैं फिश, है ना? मैं फर्स्ट टाइम। फहम भाई फर्स्ट टाइम फिश खा रहे हैं। मैं तो पहले खा चुका हूँ बहुत दफ़ा, तो मुझे तो पता है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। अब आप लोगों को फहम भाई सच सच रिव्यू देंगे कि क्या बनने वाली है। फहम भाई सच सच बताना। अभी तो भाई सच सच ही बताएंगे ना, पहले टेस्ट कर लें फिर उसके बाद सच सच बताएंगे। भाई तो टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको पहले दिखाते हैं मेकिंग और फिर आप लोगों को सच सच बताते हैं कि क्या टेस्ट आ रहा है। ठीक है, फिर मैं बताना सही बताओगे बताएंगे। और हमारे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टेट लेवल ब्लॉगिंग। हाँ, वो हमारा स्ट्रीट लेवल ब्लॉगिंग, हमारा चैनल है स्ट्रीट लेवल ब्लॉगिंग के नाम से, उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाजमी सब्सक्राइब करें। हाँ, ठीक है ना। अब आप लोगों को मेकिंग दिखाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं टेस्ट के बारे में। टेस्ट के बारे में पापा ने मछली इसके अंदर डाल दिया। पापा, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? और ये डीप फ्राई में भी आप फ्राई कर सकते हैं, अगर कोई हार्ट के पेशेंट हैं कुछ हैं, अगर वो ये ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो वो इसमें आएगा। अच्छा, तो वो इस तरीके से होगा, वरना फिर हम इसको बड़ी कढ़ाई के अंदर तेल में भी डाल सकते हैं। ये घर की ये मतलब बचत की है इसे। अच्छा, ये कमर्शियल जो काम, ऑयल की बचत है, ऑयल की बचत है। कमर्शियल जो काम होते हैं वो अलग होते हैं, वो कढ़ाई के अंदर होते हैं पूरा। तो भाई तो पापा ये क्या हो रहा है अभी हमारा? तो ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी मैं बना रहा हूँ सलाद। सलाद बनाने के लिए, सलाद के लिए बना रहे हैं ना? सलाद के लिए बना रहे हैं, सलाद के लिए भी टमाटर, सलाद के लिए भी टमाटर काट रहे हैं। तो रफीक भाई, इसमें सलाद में क्या क्या डालेंगे? मैं डालेगा अपना टमाटर डालेगी, प्याज डालेगी, और खीरा डालेगा, खीरा डालेगा ये, और थोड़ा धनिया, थोड़ा धनिया। सही। तो अनस भाई, आपके पापा इतने माशाल्लाह बेहतरीन किचन मेकर हैं और वे शेफ हैं माशाल्लाह से, तो पापा को हम सोच रहे हैं कि तुम्हारे पापा को खुलवा दें, रेस्टोरेंट खुलवा दें। क्या कहते हो भाई, पापा से मशवरा ले लो, राजी हैं तो खोल लेते हैं। मैं तो रफीक भाई, रफीक भाई से मशवरा ले लेते हैं पहले, आप लोग डिसाइड करते हैं, फिर रफीक भाई को रेस्टोरेंट भाई जब ये लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, जब हमारे पैसे आएंगे फिर तो हम खुलवाएंगे ना। ये बात भी नोटेड है। अब भाई इनको बोलो लाइक सपोर्ट करें, फिर सपोर्ट से अपना रेस्टोरेंट, फिर अपना रेस्टोरेंट खोल लेंगे। तो रफीक भाई क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट तो आप बनाएंगे? हाँ, मेरी दुकान नीचे है। सही। मेरे को बहुत सारे दोस्त जो खाना मेरे से बनवाते हैं। जी जी। वैसे पापा अपने दोस्तों वगैरह को भी कभी कभी बना के दे देते रहते हैं, कभी उनके फैमिली इवेंट वगैरह के लिए किसी चीज़ के लिए। हाँ। तो पापा वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दे देते हैं उनको, कि कोई मसला नहीं।
आप बस मुझे ला के दे दें मटेरियल, मैं आपको बना के दे देता हूँ। तो अब ये हमारी फिश अपने के नाम में एक साइड से हो गई है और दूसरी साइड से फ्राई हो रही है, लेकिन जैसे गोल्डन हो गई, अभी गोल्डन हो गई, लाइट बिल्कुल ब्राउन गोल्डन गोल्डन से। देखते अनस भाई, देखते पानी आ गया इसके मुँह में। हाँ भाई, हाँ भाई, मैं तो ये वाली फिश खाता रहता हूँ, मैं बता रहा हूँ सीरियसली, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। लेकिन अभी आप लोग सच सच रिव्यू आपको फहीम भाई देंगे, फहीम भाई ने ये फिश पहले अभी नहीं खाई। हाँ ये तो है, मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगा तो रिव्यू अच्छे ही होंगे, और इंशाल्लाह बहुत देख के इतनी बेहतरीन लग रही है, मज़ा आ जाएगा खाने में। क्या होता होगा, तो अभी हमारे कट चुके हैं टमाटर, और अब हमारी कट गई है हरी मिर्च। हरी मिर्च कटने के बाद अब काट रहे हैं अपना अनस के पापा प्याज। प्याज इसको अनियन बोलते हैं, इसको अनियन बोलते हैं इंग्लिश, अनियन। माशाल्लाह शेफ वाला बिल्कुल हाथ चला रहे हैं अपने अनस के अब्बू। सही है, सही है, जो अक्सर पापा खाना बनाते रहते हैं। ये फिश हमारी यहाँ फ्राई हो रही है, फिश फ्राई हो रही है, और ये अपने मैरिनेट हो रही है। हाँ ये हमारी हो गया रखी है मैरिनेट, मैरिनेट ना सीधा सीधा बोलो ना भाई, मसाला लगा के रखी हुई है। सीधे सीधे बोले भाई, सीधी सीधी बात समझ कर आती है हमारे को। ये हमारी तैयार हो गई है, ये देखें इसमें तेल की कितनी बचत है, तेल भी बड़ा कम है इसमें, और देखें गोल्डन कितनी ज़बरदस्त हो गई है। बाकी में अपने कह रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त है, ये देखें आप, ये देखें बेहतरीन हो गई है। तो अब ये इसके ऊपर आप देखें, इसके ऊपर ही डलेगा चाट मसाला। हाँ तो ये चाट मसाला डलेगा, चाट मसाला डलेगा, ये देखें ये ऐसे जबरदस्त। इसके बाद इस पे ऐसे खाली लेमन आएगा, लेमन आएगा, इसके बाद इस पे लेमन आ जाएगा। सही, ये जाएगा इस पे कटा हुआ धनिया, और इस पे गया ये धनिया, ये देखें, ये फुल डिश तैयार हो चुकी है हमारी। ये जो है इसके साथ मैंने हरी मिर्चें छोटी वाली जी जी काट के डाली हैं। सही, ये एक निवाले के साथ आप एक लें, और ये फ्राई हरी मिर्चें जी, ये फ्राई हरी मिर्चें, तो ये अपना इधर ये देखें जी जी, ये मेरी पूरी आपकी तैयार होगी। बस इस पर आप लेमन डालेगा, बस इस पर लेमन डालेगा। सही, तो इस पर लेमन डालेगा, और ये दिखने में तो है बहुत टेस्टी, और हमें भी लग रही है टेस्टी, और ये अभी हम खा लें। अभी अनस गया ज़रा लेमन लेने, तो लेमन लेकर आएगा अनस, फिर इस पर लेमन डालेंगे, लेमन डाल फिर खाएंगे। रोटी से खाना चाहें, चपाती से खाना चाहें, ठीक के साथ मैंने भुनी हुई चटनी, टमाटर है इसमें, टमाटर है, लहसुन है, लहसुन है, और अपना कुटी हुई मिर्चें हैं, कुटी हुई मिर्चें हैं, और ये टमाटर वगैरह सब इसमें ग्राइंडर कर दिया मैंने, इसको भून लिया है। सही, और धनिया है, सही, बाकी मसाले जो आपने डाले हुए सब डले हुए, सब डले हुए, यानी ये भी टेस्टी लग रही है, और ये सरप्राइज जो है, ये सरप्राइज थी हमारे लिए, तो हमने सुना अपने एक पीस रखे हैं इसके साथ अपना, और खाते रहे बिल्कुल। आधा किलो तेल में, आधा किलो तेल में रसिक भाई दो किलो मछली तैयार हो जाती है। देखें आप, ये तेल आधा पाव खत्म भी नहीं होगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा इसमें। अच्छा, नॉन स्टिक का ये फ्राई पैन है। सही, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। सही, ज़्यादा बहुत तेल भी खत्म नहीं होगा इसमें। सही, तो ये अभी आपके सामने मैंने डाल दिए तीन, ये बना दिए तीन, ये लग गई है बिल्कुल, एक किलो से ऊपर लग बन चुकी है, एक किलो से ऊपर बन चुकी है जी। चलिए सही, तो यानी कि आप फ्राई, और इसमें अपना इतना मज़ा आ रहा है देखने में, खाने में तो और ही आला हो गई है। तो आप जब अब मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में, जब तक हम खाते हैं, खाने के बाद मिलते, जब तक अनस भी आ जाएगा, फिर हम खा के आपसे फिर बात करते हैं, ठीक है। हाँ तो फहीम भाई कैसी लगी फिर आपको? तो मछली तो बड़ी टाइट बनाई तुम्हारे पापा ने, और अपने कहना में वाकई में हाथ में टेस्ट है माशाल्लाह से, हाथ में टेस्ट है, देख लो भाई। हाँ। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, फहीम भाई खुद बताएंगे।
फिर फहीम भाई अब आप क्या खिला रहे हो? मैं तो खिलाऊंगा अब इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही बना के खिलाऊंगा। अच्छा भाई, आप फहीम भाई बोल रहे हैं, मैं भी आपको अपने हाथ का कुछ अच्छा ही बना के खिलाऊंगा। तो फहीम भाई, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे पापा के लिए, क्या करना चाहिए? नहीं, पापा के लिए तुम्हारे लिए तो बस ये है कि अपना हमारे को अगर सपोर्ट करते हैं, हमारी पब्लिक, हमारी अपना क्या नाम यूट्यूब हमारे को सपोर्ट करती है, तो फिर हम इंशाल्लाह तुम्हारे पापा का एक रेस्टोरेंट खुलवाएंगे जहाँ पे हम अपनी तुम्हारे पापा के मसाले सब खाएंगे, हर चीज़ खाएंगे हम चीज़। सही, तो फहीम भाई ने इससे पहले भी मेरे ख्याल में पापा का हाथ का खाया था, गाजर का हलवा खाया था, वो भी बहुत आता था। तो भाई मेरे ना मेरे पापा ही कुकिंग करते हैं रोज़ाना डेली, तो मैं तो खाता रहता हूँ। आज फहीम भाई जा रहे थे, मैंने बोला फहीम भाई बाहर से ज़्यादा अच्छा आज हम घर में आपको फिश बना के खिलाते हैं। फहीम भाई ने बोला भाई चलो। तो फिश अगर हमने घर का मशवरा लिया तो बेहतरीन मशवरा था, और बेहतरीन और आला मशवरा था। बिल्कुल आला मशवरा तो और ही आला हो गया कि जब हमने टेस्ट करा मसाले वसाले सब चीज़ एक बेहतरीन तरीके की डली, ना कुछ चीज़ तेज ना कुछ, बेहतरीन मसाले डले गए थे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल है स्ट्रीट लेवल ब्लॉगिंग, तो इस वजह से हम आपको बता रहे हैं, वीडियो में बताना हमारा एक वो है। हाँ, बताना चाहिए बताना चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।